बाइक भैया ने यहाँ पे लगा दी। पास नहीं है वो खुद इनिशियल जगाती है बंदे को, खींच लो जितना खींच, मतलब हाईवे वगैरह पे दे देगी ये 25 निकालने के लिए, तो सिटी में 15 20 के बीच। ये बड़ी चीजें मैटर करती है, वो तो यार चलाने पर डिपेंड करता है, अभी गियर शिफ्टिंग तो इधर से मैं आदिल भैया को बोल रहा हूँ कि भैया आप ही ड्राइव करो, क्योंकि भाई मेरी टांगे तो बहुत लंबी है, मैं तो इजली बाहर जाता हूँ उससे। ये भैया हमारे राइड कर रहे हैं आदिल भैया, इस समय बाकी जाए बाइक एकदम बोलना बॉम्ब है भैया, आवाज़ सुनना भैया बाइक की। मैं आपको ना इसके पूरे डिटेल रिव्यू दूंगा बाद में, एक एक चीज़ बताऊँगा, लेकिन फिलहाल ट्रैफिक देख सकते हो आप कितना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे भाई, इतने ट्रैफिक में हमें चलने की आदत है नहीं, तो निकलते हैं यहाँ से। वो भाई यार पावर क्या आ रही है यार, एकदम फील आ रही है इसको चलाने में, देख रहे हो आप, बहुत ही ज़्यादा मस्त है यार। ओ यार इसका तो हमने स्टिकर निकाला नहीं, ये इसकी करते हैं हम स्टिकरिंग की ओपनिंग। अच्छा पूरा कवर है यार, कवर बाद में निकालेंगे, फिलहाल हम स्टिकर निकाल लेते हैं। गाइस अभी थोड़ा खींचते हैं इसको हम और देखते हैं पिकअप वगैरह। ब्रेकिंग हो भाई, एक नंबर ब्रेकिंग है यार कसम से, क्या बताऊं मैं आपको। ओ यार कटिंग देख रहे हो आप इसकी, मिल जाएगी तो लुक के मामले में भी भाई एक नंबर बाइक है, और कंट्रोल की बात करें तो इसके बराबर मुझे नहीं लगता यार किसी और बाइक का कंट्रोल होगा। बहुत ही ज़्यादा सस्पेंशन इसके, मैं बता नहीं सकता आपको सस्पेंशन कितने मस्त हैं इसके यार, जहाँ ब्रेक मारो यार वहाँ ऐसे मतलब बिल्कुल बाइक ना रुक जाती है। तो देखते हैं यार, मिलते हैं आपको, अब फ्यूल अप करवाना है इसका, उन्होंने फिलहाल तो 1 लीटर तेल दिया है, और आपको पता है 390 है, तो यार 1 लीटर में कितना ही चल लेगी। पहले करवाते हैं हम फ्यूल अप और फिर निकलते हैं यहाँ से आगे, तो मिलता हूँ आपको थोड़ा आगे चल के, तब तक आप ब्लॉग पे बने रहो। ओ भाई कब देख रहे हो इसका आप, एक नंबर पर थोड़ी सी कटिंग वगैरह देख लेते हैं चेक करके हम। गाइस बहुत यार पिकअप के मामले में मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई मुकाबला नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है। तो आ गया भाई नाका, ऐसा ना हो हमें भी यहाँ कोई मिल जाए, आपको पता ही है बिल्कुल बिल्कुल। और इस टाइम आपको पता है जम्मू में कांड भी वैसे ही चल रहा है, समझ रहे हो बहुत ज्यादा सिस्टम खराब है, तो उसकी वजह से समझ लो। हाँ हाँ एक काम करो, कॉल करो, बोलना वे मॉल के आगे आगे रुको, ठीक है। हाँ इधर ही रुकवा दो, बोलना पेट्रोल डलवाना हमने बस। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं यार इधर पेट्रोल पंप पे, तो अभी हम करवाते हैं इसका फ्यूल अप और देखते हैं फिर आगे का क्या सीन रहता है। फुल करवाओगे? स्टार्टिंग में आज फुल मत करवाओ, फुल और किसी दिन करवाना जब दोबारा आप खाली करोगे ना। तो गाइस देख सकते हो आप अभी हो रहा है फ्यूल अप, तो जल्दी से करवाते हैं फ्यूल अप और भाई आगे की आपको राइड दिखाते हैं, बहुत मस्त होने वाली है। तो यार जो ब्लॉग पे नए हो तो यार जाके कर दो यार चैनल सब्सक्राइब, इतना टाइम मत लगाया करो, इतना आपने देख लिया तो अभी पहले करो आप चैनल सब्सक्राइब, बाकी राइड आप बाद में देखना। तो ये हो गया फ्यूल अप यहाँ से और हम निकलते हैं यहाँ से। आज हमने फुल नहीं करवाया, भैया कह रहे थे फुल करवा देना, मैंने इनको मना किया, तो आज ये फुल नहीं करवा रहे हैं, तो करते हैं इसको बंद। तो ये हो गया बंद, होगी पेमेंट, ये देखो भाई रेडी टू रेस। तो चलो भाई हम भी रेडी हैं रेस के लिए, निकलते हैं यहाँ से हम। हेलमेट हमें घूमट जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो गाइज यार अगर मैं बात करूँ इसके कंफर्ट की, तो यार पुरानी वाली आरसी से ना इसका बहुत ज़्यादा कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये उतनी बेंड नहीं है जितनी वो पुरानी वाली आरसी बेंड थी यार, तो उस चीज़ का केटीएम वालों ने ना बहुत अच्छा ध्यान दिया है भाई।
तो ये चलाने से मतलब बैक में पेन भी नहीं हो रही है। पुरानी वाली भी मैंने चलाई है, उसमें बहुत पेन होती थी बैक में वो चलाने से। तो अभी हम इधर से निकल रहे हैं यार घूमट वाली साइड, जल्दी जल्दी निकलते हैं यार क्योंकि अभी घर भी जाना है तो लेट हो जाएंगे हम। बस कोई नाका ना मिल जाए यार बीच में। देख रहे हो रेस पे हाथ रखते ही मतलब झटका ले रही है पूरा, क्या पावर बड़ी ज्यादा है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं यार इधर गुर्जर नगर ब्रिज पे। तो दूसरी साइड यार रोड का काम चल रहा है, देख रहे हो आप। तो इस साइड से ही मतलब वन वे नहीं है ये, अभी टू वे बन चुका है। तो ट्रैफिक देखो आप, तो इसकी तो सही में हालत ख़राब है भाई। इधर ये देखो खड्डे चेक करो आप, इसलिए यहाँ ठीक कर रहे हैं। तो निकलते हैं जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा पावर है यार, बहुत ही ज़्यादा पावर। बिल्कुल नॉर्मल सा भी यार रेस को ऐसे करने पे भी बाइक झटका दे रही है, ऐसे पीछे की तरफ धकेल रही है। तो पावर का मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, एक नंबर पावर है। अभी तक मैंने बिल्कुल मतलब खींची नहीं है ये, जिस हिसाब से खींचनी चाहिए अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया इसको खींचने का। तो वो भी हम आगे करेंगे जब हम हाईवे को पहुँचेंगे, फ़िलहाल अभी नहीं करेंगे क्योंकि सिटी में यार ट्रैफिक वगैरह भी होते हैं आपको पता है, और ट्रैफिक पुलिस भी कहीं मिल जाएगी तो ऐसी कोई सीन हो जाएगा। आज बाइक की नई गाड़ी है तो आज हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये सब हम बाद में करेंगे, अभी बहुत टाइम पड़ा है हमारे पास। ओ यार तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं यार गुम्मट, तो यहाँ से हम जाएंगे भैया के पास, उनसे मैंने पहले भी एक हेलमेट लिया हुआ है तो हम उन्हीं के पास जाएंगे। तो सही रेट पे भैया हेलमेट देते हैं, हम और कहीं नहीं जाएंगे यार जिनसे मैंने पहले लिया, हम डायरेक्ट उन्हीं की शॉप पे चलते हैं। तो भैया की शॉप कौन सी वाली थी ये बंद, अरे बंद है ये तो बंद निकली यार, ये पीछे वाली शॉप थी यार उनकी जहाँ से मैंने लिया था ना। करते हैं इधर पता, उतरो। तो गाइस यार जो भैया की शॉप थी वो तो बंद निकली जो पीछे थी यार, एक मिनट में देख लूँ, हाँ वो बंद है। तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं कुछ ऐसी लोकेशन पे, भाई लोकेशन चेक करो एकदम मस्त लोकेशन है, बाकी ड्राइव कर रहे हैं पीछे बैठा हूँ। भाई लोकेशन चेक करो कितनी मस्त लोकेशन है एकदम से, व्यू देखो कितना मस्त है भाई, क्या आसमान की ऊंचाइयों में चल रहे हैं अपने। आया गोविंद पंडित जी के पास अपनी बाइक का पूजन करवाने। वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। अपनी दन्नो रानी वो मैंने भैया को बोला कि अपने पास रख दो, सुबह ले जाऊंगा। बाकी पूजन वगैरह हो गया है भाई, बाइक का देखो एकदम कैसे लग रही है आगे से, बाकी सब कुछ डन ही हो गया। तो बाकी गाइज मिलता हूँ बाद में आपसे। तो गाइज फाइनली मैं अभी पहुंच गया हूँ अपने घर वाले रोड में एंटर कर चुका हूँ मैं। तो गाइज बाकी का ब्लॉग आपको कैसा लगे भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बाकी भाई अपनी सपोर्ट यार क्योंकि ये आपको बाइक कैसी लगी उसके रिलेटेड कोई भी बात होगी भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एंड इसका जो नाम रखना है भाई वो भी मैं आप पे डिपेंड कर रहा हूँ, वो भी मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। चलो ठीक है गाइस फिर मिलता हूँ तब तक के लिए एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए भाई, टेक केयर।